सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। जब हम हेयर कलर की बात करते हैं तो मेहंदी उसमें सबसे नेचुरल ऑप्शन में आती है, और मेहंदी में भी हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए आज मैं प्रियंका आपके साथ नेहा हर्बल मेहंदी का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ नेहा हर्बल मेहंदी का रिव्यू। इस मेहंदी में एलोवेरा है, ग्रीन टी है, शिखाकाई है, हिबिस्कस, आंवला और नीम है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये सारे ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारे हेयर्स के लिए। इसमें ये इन्ग्रीडियंट्स भी दिए हुए हैं कि साथ में इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें कॉफ़ी है, भृंगराज है, ब्राह्मी है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ से भी एलर्जी है तो आप प्लीज़ इसको यूज़ मत कीजिएगा, या फिर अगर आपने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया है या अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिएगा। पैच टेस्ट का इसमें पूरा मेथड दिया हुआ है कि आपको कैसे लेना है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और सबको सूट आ ही जाती है मोस्टली। मैंने इसको यूज़ भी किया है इसलिए मैंने सोचा आपको इसका रिव्यू आज दे दिया जाए। इसका प्राइस है 60 रुपीज़, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, और इसकी क्वांटिटी है 140 ग्राम। अगर आपके बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर हैं तो ये आपका पैकेट 3-4 बार यूज़ हो जाएगा। नॉर्मल हेयर्स हैं तो 2 बार, और अगर बहुत लॉन्ग हेयर है तो ये आपका पूरा पैकेट यूज होगा। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि क्या ये मेन के लिए भी इतना ही इफेक्टिव है जितना वुमेन के लिए है। जी हाँ, ये मेहंदी भी मेन और वुमेन दोनों के लिए सेम ही इसका इफेक्ट है। मेहंदी बालों को कलर देने के साथ साथ बालों को शाइनी बनाने के लिए भी यूज की जाती है, तो इसका भी इफेक्ट यही है कि ये बालों को सुपर शाइनी बनाएगी और प्लस एक वॉल्यूम प्रोवाइड करती है। जब हम हेयर कलर डाई यूज़ करते हैं तो उससे बालों का जो स्टफ़ है, जो वॉल्यूम होती है, वो बहुत हल्की हो जाती है, तो बाल बहुत हल्के दिखने लगते हैं। बट मेहंदी से वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और बाल फ्लफ़ी दिखने लगते हैं। तो जिन लोगों का हेयर टेक्सचर बहुत ही हल्का है, जिनके बाल बहुत ही हल्के हैं, उनके लिए मेहंदी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। उनको मेहंदी ही यूज़ करनी चाहिए, डाई या आर्टिफिशियल हेयर कलर्स जितने हैं उससे बचना चाहिए। इसका शेड थोड़ा बर्गंडी शेड है, बाकी डिपेंड करता है आपका हेयर टाइप कैसा है, आपका हेयर कलर कैसा है। सेम पैकेट दो डिफरेंट पर्सन के ऊपर अलग अलग हेयर कलर भी दे सकता है, अगर दोनों का हेयर टाइप हेयर कलर अलग है तो। वैसे इसका जो कॉमन शेड है वो बर्गंडी शेड है। अब जैसा कि इसमें बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स अवेलेबल हैं, तो एक तो ये बालों को डैंड्रफ से बचाएगी। अगर आपके हेयर्स में भी डैंड्रफ है तो आप इसको यूज़ कीजिए, आपको डैंड्रफ में बहुत रिलीफ मिलेगा, और दूसरा हेयर फॉल भी इससे आपका थोड़ा कम हो जाएगा। प्लस ये एक नेचुरल कंडीशनर है तो आपको अदर केमिकल बेस्ड कंडीशनर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यूज़ कीजिए, इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसको आपको लगभग 1 घंटा भिगोकर रखना है पानी में और फिर उसके बाद इसको लगाना है। वैसे तो कोशिश कीजिए कि आप इसको 1 रात पहले ही भिगो दें और उसके बाद लगाएं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस 1-2 घंटा भिगोकर रखने में भी ये उतना ही इफ़ेक्ट देगी। और इसको भिगोने की बात रही तो आप लोहे की कढ़ाई में भी इसको रख सकते हैं, या आप कोई और स्टील के बर्तन में भी इसको रख सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में रखने का फंडा ये होता है कि वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर दे देती है। जब आप इसको भिगो कर रख लेंगे और बालों में लगाएंगे तो बालों में आपको इसको 1.5 से 2 घंटे रखना है। वैसे तो कोशिश कीजिए कि पूरा 2 घंटे ही रखें तो ज़्यादा अच्छा कलर मिलेगा, 1.5 घंटे में हो सकता है उतना अच्छा कलर ना मिले। आज की मेरी ये वीडियो सिर्फ इसके रिव्यू के ऊपर है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अच्छे से कि आपको मेहंदी कैसे अप्लाई करनी है हेयर्स पे। आपको बहुत ही सिंपल और इजी मेथड बताऊंगी कि आप हेयर्स में मेहंदी कैसे लगा सकते हैं जिससे सारे आपके जो हेयर्स हैं वो अच्छे से कलर हो जाएं। दूसरा, मैं आपको उसमें फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसा मिला। अब एक और बात मैं आपको इसमें बता दूँ कि इस मेहंदी में एक ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमी क्या है। जब आप अपने बाल धो लेते हैं उसके बाद आप कितना भी अच्छे से पानी से धो लीजिए, जब बाद में थोड़ा सा रेड पानी बालों में रह जाता है जो कि आपके क्लोथ्स पे लग सकता है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप नए क्लोथ्स उस टाइम नहीं डाले तो, क्योंकि इसका कलर उन पर लग जाएगा। जब बाल सूख जाएं उसके बाद ही आप उनको डालें, वरना फिर उस पर कलर रह जाएगा। ये कलर लगभग 3 हफ्ते से 4 हफ्ते आराम से चल जाता है, उसके बाद ही समझो 1 महीने में ही आपको इसको लगाने की ज़रूरत है। बट अगर आपके बहुत ज़्यादा वाइट हेयर हैं तो फिर आपको इसको 20 दिन में ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आराम से 25-30 दिन निकाल देता है, तो इतनी ज़्यादा आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इस पर लिखा हुआ है कि आप इसको हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन यही है कि आप हर हफ्ते इसको मत लगाइए, कोशिश कीजिए कि 20 से 25 दिन बाद ही इसको लगाइए। बेशक इसमें सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, बट फिर भी कोई चीज़ ज़्यादा एक्सेस में अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हार्म भी कर सकती है। तो ये था मेरा आज का नेहा हर्बल मेहंदी का रिव्यू। आई होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल ब्यूटी हट पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।